शराब की लत। देखिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी वो शराबी नहीं होते। तो फिर हम सोशल ड्रिंकर और शराबी में फर्क कैसे बता पाएंगे? पेशेंट को शराब की लत लग गई है, ऐसा हम तब कह सकते हैं जब वो शारीरिक और मानसिक तौर से शराब पर निर्भर हो जाता है, वो भी उसकी सेहत के खराब होने के बावजूद, उसके काम पर असर पड़ने के बावजूद, पारिवारिक जीवन तहस नहस होने के बावजूद, समाज में इज्जत गिरने के बावजूद वो शराब पीता रहता है और रोकना भी चाहे तो शरीर और दिमाग उसका साथ नहीं देते हैं, इसलिए वो मजबूरी में पीता है। और अगर उसने नहीं पी तो उसमें दिखते हैं शराब छोड़ने के दुष्प्रभाव। उसे झटके आ सकते हैं और बेचैनी हो सकती है, उल्टियां हो सकती हैं, भूख लगना बंद हो सकता है, नींद ना आना, शराब के लिए तड़पना, और ऐसे पेशेंट्स में मानसिक बीमारियों के लक्षण दिखते हैं। तो ये लक्षण हैं शराबीपन के, और अगर आप में ये लक्षण दिखाई दें तो आपको शराब पीने की लत बुरी तरह से लग चुकी है और आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर कोई इंसान सप्ताह के अंत में एक या दो पैग शराब पीता हो और उसे कोई शारीरिक तकलीफ ना हो, सेहत पर शराब के कोई दुष्प्रभाव ना दिख रहे हो, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा शराब पीना आपको शराब की लत लगा सकता है और हम इसे कहते हैं अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। शराब की लत का इलाज करने के लिए इस समस्या को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को बहुत बुरी तरह से शराब की लत लग गई हो और वो रोज बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीता हो, तो इसका इलाज घर में या खुले में नहीं किया जा सकता, उसे एडमिट करवाना बहुत जरूरी है। और पेशेंट एडमिट होते ही डॉक्टर इलाज की पहली अवस्था शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे हम अचानक शराब छोड़ने के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उसके शरीर से अल्कोहल को बाहर जाने देते हैं, और फिर हम उसे काबू में रखने के लिए बहुत सारे जरूरी तरल, विटामिन्स और दवाइयां उस पेशेंट को देते हैं। इलाज के इस पड़ाव को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया एक या दो हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते चलती है। इसके बाद इलाज का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं व्यसन मुक्ति। इसमें हम साइकोथेरेपी, बर्ताव में होने वाला बदलाव, सलाह मशवरा, परिवार से बातचीत, ग्रुप थेरेपी, बाकी बातें और दवाइयों की मदद से पेशेंट में अभी भी दिखने वाले लक्षण पर इलाज करते हैं, जैसे नींद ना आना, शरीर में झटके लगना, बेचैनी महसूस करना और उदासीन होना। और हम इस तरीके से शराब की लत का इलाज कर सकते हैं।